सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करे या ना करे पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करे। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। सुख भी बहुत है परेशानियां भी बहुत है, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो ऊपर वाले ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। आज का पंचांग 3 नवंबर 2020 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, रात्रि 3:24 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 2:30 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:56 से 4:20 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। मेष राशि 3 नवंबर 2020 दिन मंगलवार, आर्थिक नुकसान अभी आपके तनाव का कारण हो सकता है। सभी योजनाओं और खरीद के समय ध्यान रखें। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते में अगला कदम उठाएं और आगे बढ़ें। यह ढीले सिरे को बांधने और जीवन में नए चरण के लिए तैयार होने का समय है। नए दोस्त बनाएं किंतु पुराने दोस्तों से भी बातचीत करना ना छोड़ें। आज पुराने दोस्तों को पुनर्जीवित करने का बेहतरीन समय है। सामाजिक समूह का हिस्सा बने और अपने विचारों को बांटें। दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत से आगे रखना चाहिए। हौसले मेहनत को उड़ान प्रदान करते हैं लेकिन अपने हौसलों को टूटने ना दें। आज आप अपनी पुरानी दिनचर्या में कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे। क्यों न उस रुचि की ओर ध्यान दिया जाए जिसे आप बहुत समय से करना चाह रहे थे। आज अपनी बोरियत से बाहर निकलकर ऐसा कुछ करें जिसकी कभी किसी ने आपसे अपेक्षा भी ना की थी। हंसी मजाक आज आपके परिवार जनों व मित्रों के जीवन को खुशियों से भर देगा। इस राशि के लिए आज के दिन काम में तेजी लाएगा। पुराने रुके हुए काम तेजी से होने लगेंगे। आर्थिक सफलता मिलेगी। काम में परिस्थितियां अनुकूल होगी। नौकरी पेशा वर्ग में भी आज का दिन फटाफट काम निपटाने का है। उच्च अधिकारी सहयोग करेंगे। सावधानियां, परिवार में तर्क संगत से पारिवारिक चर्चा होगी। घर के बड़ों का प्यार और अनुभवी सीख आपको मिलेगी। पैसा खर्च करने से आज बचें। बात करते हैं लव लाइफ की। नए परिवेश या वातावरण में अपने अनुभव से आप किसी को भी लुभा सकते हैं। पारिवारिक संघर्ष आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है किंतु अपनी पत्नी या पार्टनर की चाहत आपको हर परिस्थिति का सामना करने का साहस प्रदान करेगा। सोच समझ कर योजना। आज आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे जिससे आपको संतुष्टि और प्रशंसा होगी। अपने दिल के सबसे नजदीक रहने वाले व्यक्ति के साथ वक्त बिताएं, इससे आपका रिश्ता दृढ़ बनेगा। करियर की बात करते हैं। आज अपने निर्णय सोच समझ कर लें। कुछ समय अपने पार्टनर और करीबी साथी के लिए निकालें। व्यापार में आपके अनुभव आपको करियर में शीर्ष पर ले जाएंगे। दिल का लाभ पूरी तरह से उठाने के लिए अपने समय को नियोजित करें। नया दोस्त अगर चांदी है तो पुराने दोस्त सोना है। आज आपका समय पुरानी दोस्ती को फिर से जीवित करने का है। अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटें और नए लोगों से मिले जुले। सोशल मीटिंग भी आज कार्ड्स में है।
बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर आज आपको छोटे मोटे दर्द से लड़ना होगा। आज आपको हल्का व्यायाम भी करना होगा। बड़ी समस्या से ना घबराएं, क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। पेट को ठीक रखने के लिए पौष्टिक खाना खाएं। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।